हेलो नमस्ते, वेलकम टू कुकिंग एंड गार्डन हाउस। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब भी सारे परिवार खुशी हैं और स्वस्थ हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं लंच तैयार करने वाली हूँ वो टिपिकल विलेज स्टाइल में करने वाली हूँ। बाहर चूल्हे में बनाऊंगी, और बनाऊंगी क्या, काले चने की अरबी डाल के सब्जी, जो कि बहुत स्वादिष्ट बनेगी। चावल के साथ खाएंगे उसको। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, गार्डन में जाके हम कुछ चीज़ें लेकर आएंगे। चलिए मेरे गार्डन में। चलिए आ गई हूँ मैं गार्डन में। यहाँ पे कुछ गोभी के प्लांट लगाए हुए हैं हमने, और यहाँ पे मेरे बैगन भी लग रहे हैं, देखिए छोटे छोटे से। अब बैगन लगना शुरू हो चुका है, ये बैगनी वाला बैगन है, और यहाँ पे हमारे हरे बैगन भी लगने शुरू हो गए हैं। ये है अरबी, और भी बहुत सारे हैं, तो इसमें गांठें आ चुकी हैं, तो अब हम इसको निकालेंगे। ये जो ये गोल वाला मिर्ची है, ये दार्जिलिंग की मिर्ची है, इसे डल्ले बोलते हैं। और ये वैरायटी काफ़ी है हमारे मिर्ची की, लंबे वाले भी हैं, दिखाती। ये हमारे लंबे वाले हैं, यहाँ पे अभी मैंने जो दिखाया दार्जिलिंग वाला लाल, ये डल्ले। देखिए भाई, हम ले आए अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्ची, और अरबी भी मैंने निकाल लिए हैं। चलिए आप कुकिंग करते हैं। तो सारी सब्जियां तोड़ के ले आई हूँ, और अब चला लेते हैं आग। और ये आउटडोर में मैंने सेटअप किया है अपने किचन को। Thank you.
तो मसालों में मैं पीस रही हूँ जीरा और साथ में लहसुन और अदरक को मिला के तीनों का पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो चलिए कुकर की गैस हो गई है बंद और खोल के देखते हैं कि हमारे चने और अरबी पके हैं या नहीं। देखिए बिल्कुल पके हुए तो दिखाई दे रहे हैं, चेक करके देख लेते हैं। जी हाँ, चने बिल्कुल पक चुके हैं, साथ में अरबी भी पक चुकी है। तो चलिए आप मसाला भुनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तेल हो गई है बिल्कुल गरम और तड़के में डाल दिया है मैंने जीरा और साबुत मिर्ची का, और साथ में डालने वाली हूँ प्याज, और प्याज लाल होने तक भुनना है, और उसके साथ लहसुन अदरक और जीरे का पेस्ट और साथ में कुछ सूखे मसाले जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्च, देगी मिर्च, और उसके बाद मसाला भुन जाएगा और साथ में डाल देंगे टमाटर, और टमाटर के गलने के बाद डालेंगे हम चने को। तो चलिए जब तक सब्जी में उबाल आ रहा है हम एक चटपटा सा सैलेड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टुकड़े प्याज के काट लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े खीरे के कर लिए हैं, और साथ में मैंने टमाटर की चटनी का पेस्ट बनाया है जिसमें कि मैंने भुने हुए टमाटर, लहसुन, छोटा टुकड़ा अदरक, नमक और मिर्ची डाल के पेस्ट तैयार किया है। और अब जो ये काट रखा है मैंने खीरे और प्याज को, इनको इसमें मिक्स कर देती हूँ और तैयार हो जाएगी हमारी चटपटी सैलेड।
तो दोस्तों, गांव के इस सुंदर से माहौल में और चूल्हे के सौंधी सौंधी खुशबू में बनी हुई काले चने और अरबी की सब्जी बिल्कुल तैयार है और अब मैं लंच परोसने वाली हूँ। चावल के साथ इसको सर्व करूंगी। साथ में बनाया था जो मैंने चटपटा सा सैलेड, उसको और मेरे खेत से तोड़ी हुई बिल्कुल तीखी ऑर्गेनिक हरी मिर्ची के साथ ये थाली सर्व करूंगी। ऐसी ऑर्गेनिक चटपटी थाली अगर लंच में मिले तो क्या बात हो जाए। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ तक साथ दिया है, आगे भी साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली रेसिपी का भी इंतजार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।